आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा नीदरलैंड के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा नीदरलैंड का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे करना है, कहां आपको करना है, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा और नीदरलैंड के लिए आप कौन सा वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन कौन सा वीज़ा आपको मिल सकता है, तो उस बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा और बहुत ही अच्छे से आपको बता दूंगा। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो सूरीनाम जाना चाहते हैं। तो फ्लाइट का टिकट है केरला एयरलाइंस का, सबसे सस्ता रहता है। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है नीदरलैंड का वैलिड, तो आप केरला एयरलाइंस सब जा नहीं सकते, आपको डिपोर्ट कर देंगे, एयरलाइन में बैठने नहीं देंगे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसे नीदरलैंड का वीज़ा लेना है। अगर आपके पास नीदरलैंड का वीज़ा है तो आप यूरोप में कहीं भी घूम सकते हो, और आप यूरोप के जरिए आपको सूरीनाम जाना है या फिर आपको गयाना जाना है या आपको मैक्सिको ब्राज़ील जाना है, तो आप नीदरलैंड के जरिए आप जा सकते हो। टिकट भी आपका सस्ता पड़ेगा और सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। तो उससे पहले आपसे लोग से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा वीडियो में आगे डालता हूँ, जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन फुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे नीदरलैंड के वीज़ा के बारे में। सबसे पहले किसी भी कंट्री में जाने से पहले उस कंट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल जान लेना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश में आप जा रहे हो तो सबसे जो बेसिक डिटेल्स हैं ये ज़रूर आपको जानना चाहिए, तभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। तो आप अपने कवर लेटर में आप बता सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, आप वहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं और आप कितने दिन वहाँ पर स्टे करेंगे। और अगर इमिग्रेशन में भी आपसे यही पूछेंगे कि आप नीदरलैंड क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसलिए किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ की उस कंट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड का जो पूरा नाम हुआ है किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। नीदरलैंड में अभी भी राजा का रूल है, जैसे कि ब्रिटेन में राजा का रूल है, उस तरीके से नीदरलैंड में भी राजा का रूल है। और नीदरलैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो है डच। तो नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो डच है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश ही बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा डच बोलते हैं लेकिन इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि नीदरलैंड में लोगों को इंग्लिश पता है, लेकिन वहाँ पे जितना काम सरकारी होता है वो डच में होता है। तो नीदरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच, और वहाँ पे इंग्लिश भी लोग बोलते हैं। अब जो किंगडम नीदरलैंड है ये कई देशों से मिलके बना हुआ है, जैसे कि चार देश किंगडम नीदरलैंड के अंडर में है, एक है अरूबा, एक कैरेसो, एक है नीदरलैंड और एक है सेंट मार्टिन। तो तीन जो कंट्री हैं, नीदरलैंड जो होगा यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, बाकी जो अरूबा है, सेंट मार्टिन है, ये कैरिबियन में आता है, कैरिबियन कंट्री। तो इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो अलग है, और जो नीदरलैंड का वीज़ा प्रोसेस है वो अलग है। नीदरलैंड अगर आप जाते हैं तो आपको सेंगेन वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको यूरोप का वीज़ा लेना पड़ेगा, और उस वीज़ा के ज़रिए आप यूरोप में और भी कई देश घूम सकते हैं, क्योंकि आपने सेंगेन वीज़ा लिया है। नीदरलैंड जो सेंगेन जोन में आता है, सेंगेन कंट्री है, लेकिन अगर आप अरूबा जाते हो, आप सेंट मार्टिन जाते हो, तो उसका वीज़ा प्रोसेस दूसरा है। और आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अरूबा का वीज़ा, कैरेसो का वीज़ा और सेंट मार्टिन का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। ये सभी नीदरलैंड की ही कंट्री है, जैसे कि स्कॉटलैंड, और जैसे यूके में स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इस तरीके से नॉर्दर्न आयरलैंड है, इस तरीके से जो नीदरलैंड है, किंगडम नीदरलैंड, तो यहाँ पर भी चार देश हैं, लेकिन इनका जो वीज़ा पॉलिसी है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे आप अरूबा का वीज़ा ले सकते हैं, कैसे आप सेंट मार्टिन का ले सकते हैं। तो और दूसरी डील ये है कि अगर नीदरलैंड का जो राजा है उसका नाम है विलियम अलेक्जेंडर, ये नीदरलैंड के राजा हैं, बाकी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और अगर बात किया जाए इस देश की, तो ये देश बड़ा ही खूबसूरत है, और यहाँ अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो दो फेमस सिटी इनका है, एम्स्टर्डम और रोटरडम और देन हेग। तो यहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी आप गूगल पर सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कि नीदरलैंड में आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे ज़रूरी बात आता है कि अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो रिफ्यूज़ल रेट कितना है। किसी भी देश में आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो रिफ्यूज़ल रेट एक बार देखना ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, अगर आपने वीज़ा अच्छे से एप्लीकेशन किया, कवर लेटर, डिवाइड एटर्नी, सब कुछ आपने सही से लगाया है, तो नीदरलैंड का जो रिजेक्शन रेट है वो 0.8%, 16.8% रिजेक्शन रेट है, और जो अप्रूवल रेट है वो 83.2% है, 83.2% ये इनका अप्रूवल रेट है, और रिजेक्शन रेट है वो 16.8%, 16.8% है। तो इनका जो रिफ्यूज़ल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप नीदरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के कई टाइप्स के वीज़े हैं, लेकिन जो मेन जो टाइप्स है वीज़ा का वो ये है, एक आपका शॉर्ट स्टे वीज़ा है टाइप सी,
ये वहाँ पे घूमने के लिए, ट्रेवल करने के लिए है और इसे टाइप सी कहते हैं। दूसरा एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, अगर आप नीदरलैंड से किसी और देश में जाना चाहते हैं, अगर आप एयरपोर्ट ट्रांजिट करते हैं तो टाइप ए वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा है ट्रांजिट वीज़ा बी, तो ये आपको अगर ट्रांजिट करना नीदरलैंड में तो आप ये वीज़ा ले सकते हो। तो तीन वीज़ा फेमस हैं, शॉर्ट स्टे वीज़ा टाइप सी, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा टाइप ए, ट्रांजिट वीज़ा टाइप बी। इसके अलावा जो वीज़ा है वो टूरिज्म वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, वीज़ा मेडिकल रीजन के लिए, वीज़ा ऑफिशियल विजिट के लिए और फैमिली फ्रेंड्स से मिलने के लिए, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो और भी कैटेगरी के वीज़ा हैं जिसके लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको कैसे अप्लीकेशन करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लीकेशन करते हो तो आपको BFS डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा, और BFS में आपको जानना है सबमिट करना, लेकिन सबमिट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है। क्या करना है? शेंगेन वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म, जो नीदरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है ऑनलाइन, जैसे कि आप फिल करते हो फ्रांस का वीजा एप्लीकेशन करते हो ऑनलाइन फिल करते हो, वैसे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है, पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा जो आपने 3 मंथ से पहले आपने खिंचाया हो, और ये फोटो है वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड में रहेगा। वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए, 6 मंथ बचना चाहिए वैलिडिटी कम से कम, ट्रैवल डेट आपका जो भी हो 6 मंथ बचना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो आइटनरी आपका चाहिए राउंड ट्रिप का, रिजर्वेशन फ्लाइट का आप लगा सकते हो, होल टिकट आप लगा सकते हो, उसमें आपको कम्प्लीटली आपको बताना रहेगा कि आप किस डेट में आप जा रहे हो, वहाँ पे आप आपका प्लान क्या है, ट्रैवल प्लान क्या है, वो आपको बताना है डे बाई डे आइटनरी में। आप वहाँ कहाँ घूमोगे, नीदरलैंड से आप किसी और देश में जाना चाहते हो, नीदरलैंड में आप कहाँ कहाँ किस किस सिटी में घूमना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप अपने आइटनरी आपको बनाना है, उसमें आपको एक एक चीज़ बताना है, जैसे कि आप कि फ्लाइट संडे को इतने बजे है तो मंडे को इतने पहुंचेगी, फिर आप पूरा वीक में आप क्या करोगे, उसके बाद आप कब रिटर्न होगे, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, या फिर आप नीदरलैंड से किसी और देश जाना चाहते हो तो ये भी आप बता सकते हो। ट्रेवल इंश्योरेंस में आपको 30,000 यूरो का जो कवरेज मिले, वही ट्रेवल इंश्योरेंस आपको लेना हो जो शेंगेन कंट्री में जिनका मेडिकल फैसिलिटी हो, शेंगेन यूरोपियन कंट्री से जिनको लाइसेंस मिला, ऑथराइज हो, वही ट्रेवल इंश्योरेंस आपको लेना है जो यूरोप में वैलिड हो। तो इसलिए जब कभी आप ट्रेवल इंश्योरेंस लें तो ये चीज़ को वेरीफाई कर लें कि आपने ट्रेवल इंश्योरेंस लिया है, ये ट्रेवल इंश्योरेंस यूरोप में वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन आपका लगेगा, नीदरलैंड में आप होटल में रुकते हो कि हॉस्टल में रुकते हो, या फिर कोई रेंटल एग्रीमेंट आपका है, या आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई दोस्त है जिसके पास आप रुकना चाहते हो, तो जो भी प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन आपका है ये आपको लगाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिखाना है कि आप करते क्या हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, आपकी सेविंग कितनी है, आपके पास FD कितना, आपके पास फंड कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, आपका होम टाइज क्या है, आप वापस इंडिया क्यों आओगे, ऐसा क्या है आपके पास कि आप नीदरलैंड में आप ओवर स्टडी करोगे, आप टाइम पूरा होने पे घूमने के बाद आप इंडिया आ जाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ रहता है कि आप इस चीज़ को बता दो कि आप रिटर्न क्यों हो गए, तो आपका फैमिली से जुड़ाव कितना है, आप इंडिया में ऐसा क्या है कि आप वापस आओगे, आप क्या देखना चाहते हो, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही यहाँ पर मायने रखता है अगर आप वीज़ा अप्लीकेशन करते हो। उसके बाद वीज़ा फीस पेमेंट वो आपको करना है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि आप क्या काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि आप वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपके बॉस को आपकी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस नंबर, GST नंबर, MSME नंबर ये आप लगा सकते हो, आप करंट बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, आप अपने CA से एक रिपोर्ट लगा सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास इतना है, फाइनेंशियली आप इतना एक्टिव हैं, आपके पास ये प्रॉपर्टी, आपके पास ये लीज है, तो एक प्रॉपर्टी वैल्यू आप लगा सकते हो अपने CA से बनवा के, और वो आपके काफ़ी काम आएगा, आपको वीज़ा काफ़ी ईजिली मिल जाएगा, काफ़ी आसानी के साथ में मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट ID कार्ड लगा सकते हो, लेकिन स्टूडेंट में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास फंड कितना है, और अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और जो स्पॉन्सर कर रहा है उसकी इनकम कितनी है, वो हर महीने कितना सैलरी कमाता है, तो वो सब चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रिटायरमेंट आपका हो चुका है तो आप पेंशन स्लिप आप लगा सकते हो, और आपको अपने कवर लेटर में ये ज़रूर बताना है कि आप वहाँ पे क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या घूमना चाहते हैं, और आपका प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप किस किस देश में घूमे हैं और आपने वहाँ पे क्या देखा, और आप नीदरलैंड जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्या चीज़ देखोगे, तो ये सब चीज़ आपको बताना है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जैसे ही कलेक्ट कर लिए पूरे हो गए, उसके बाद आपको BFS में अपॉइंटमेंट बनाना है। अपॉइंटमेंट बनाने के बाद आप BFS जाएंगे, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कराएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद
वीज़ा है वो आप वीज़ा जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो जो सारा प्रोसेस है वो VFS होगा और वीज़ा अप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 80 यूरो है खाली। तो 80 यूरो फीस है, बाकी VFS चार्ज है वो अलग से है। VFS का जो चार्ज है वो आपको अलग से देना पड़ेगा और जो वीज़ा अप्लीकेशन की फ़ीस है वो 80 यूरो है। इस तरीके से आप नीदरलैंड का वीज़ा आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा अप्लीकेशन करना है, वो आप कैसे ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको अप्लीकेशन करना है। अप्लीकेशन का सारा प्रोसेस जो वो VFS के ज़रिए ही होगा और आपको VFS में ही जाके करना पड़ेगा। आप किसी एजेंट की मदद ना लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद सब कुछ करेंगे बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल। आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको वीज़ा अप्लीकेशन करना है, कैसे आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर